नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन से दो फोटो को जोड़कर एक फोटो बनाना चाहते हैं तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखने के बाद दो फोटो को जोड़कर एक फोटो जो है बना पाइएगा, साथ ही साथ आप जो है उस फोटो का बैकग्राउंड भी जो है चेंज कर पाइएगा। तो ये कैसे संभव है जानने के लिए आपको मेरे पूरे वीडियो को जो है आखिर तक देखना पड़ेगा। फ्रेंड, इस वीडियो पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग तरफ से कम 2000 जो है लाइक आ जाए। तो क्या करना है, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है और शेयर पे टच करके इसे अपने दोस्तों के पास आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर देना है, जिससे आपका दोस्त लोग देख सके और वो भी जो है अपने फ़ोन से सुंदर फोटो जो है बना सके, या दो फोटो को जोड़कर एक सुंदर सा एक प्यारा सा फोटो जो है बना पाए। उसके बाद आपको नीचे जाके एक प्यारा सा कमेंट आपको सबमिट कर देना है फोटो लिखकर। इससे क्या होगा कि आप जो भी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, नीचे उनका चेहरा आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आप लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति जो है वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करते हैं और सारे वीडियो पे आके जो है कमेंट करते हैं। उसके बाद अगर आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा। क्या करना है, इस बटन पे टच करके चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी आएगा, घंटी को भी दबा देना। इससे क्या होगा कि चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका मैसेज आपके फ़ोन में जाएगा और आप जो सबसे पहले उस वीडियो को जो है देख पाइएगा। तो यहाँ पे आपको एक प्यारा सा कमेंट जो है सबमिट कर देना है। अब कमेंट सबमिट करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलना है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो के टाइटल पर टच कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा और उसमें एक लिंक होगा। लिंक पर टच करके आपको क्या करना है, ऐप को डालना है फोन में। डालने के बाद फ्रेंड जब पहली बार आप उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो वो जो एप्लीकेशन है आपके सामने इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन जो है ओपन होता है। यहाँ पे आपको अलाउ देना पड़ेगा। अलाउ देने के बाद आपके सामने इस ऐप का अगला इंटरफेस जो है खुल जाएगा। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, खुलने देते हैं। तो यहाँ पे कोई फोटो यहाँ पे नहीं खुला है, चलिए हम गो पे टच करते हैं। जब गो पे टच करेंगे तो यहाँ पे एल्बम और फोटो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपने एल्बम से एक फोटो जो है लेना पड़ेगा, तो हम कैमरा से एक फोटो जो है यहाँ पे ले लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे गैलरी में ये फोटो था, तो ये फोटो जो है यहाँ पे हम चूज जो है कर लिए। उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप पे आपको टच करना है, आपका फोटो जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ्री का ऐप ऐड भी जो है आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है, अंडू या रेडो का ऑप्शन है, बगल में गैलरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम गैलरी पे टच करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे गैलरी से कोई बैकग्राउंड लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन डन पे टच कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं किए तो हमारा फोटो यहाँ पे इस तरह से जो है आ गया, ठीक है। उसके बाद बीजी बैकग्राउंड का ऑप्शन है, अगर हम बैकग्राउंड पे टच करते हैं तो यहाँ पे अच्छे अच्छे जो है बैकग्राउंड हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे नेचर वाला बैकग्राउंड है, मान लीजिए ये नेचर का बैकग्राउंड है तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फोटो लगे कैसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फोटो के ऊपर जो है यहाँ पे ब्रश करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को यहाँ पे क्या करना है, ब्रश करके ढक देना है, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है इसको आपको क्या करना है, वाइट कर देना है, ढक देना है कि बैकग्राउंड जो है दिखाई न दे। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड जो हम यहाँ पे ख़त्म कर दिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे बैकग्राउंड को जो है हटा देना। आप जितना धीरे धीरे कीजिएगा उतना अच्छा से जो है आपका फोटो यहाँ पे सफाई होके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड को जो है हटा दिए, ये देखिए। और कुछ गलत होता है तो यहाँ पे आप जो है रीडो या अंडो जो है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डन पे टच करना है, आपका फोटो जो है यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे हट चुका है फोटो का। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे सेट करना है, आप जहाँ चाहे वहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से हम अपना फोटो को जो है जहाँ मर्जी वहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं। हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो जाएगा हमारे फोटो के ऊपर। काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप इस तरह से कोई भी फोटो जो है अपने बैकग्राउंड को हटाकर जो है सेट करते हैं। तो ये देखिए, और जितना बड़ा करना चाहे उसका साइज उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा जो है आप इसका साइज जो है कर सकते हो। तो देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपको सेट कर देना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर टच करना है, आपका फोटो जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। या आप इसमें और भी फोटो ऐड करना चाहते हैं तो और भी जो है फोटो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गैलरी पे टच करना है, एक और फोटो जो है इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप दो फोटो को जोड़कर एक फोटो बना सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो है बैकग्राउंड भी जो है आप हटा सकते हैं, उसका बैकग्राउंड भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप इस ऐप का एक बार यूज करके देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।